कर्नल जी, यहाँ से हमने ग्वार सीड की बात करें तो आज हमने ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही बढ़त बनते देखी है। आपने पहले ही बता दिया था कि ग्वार की कीमतों में आपको ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं लग रही है, ग्वार में आगे तेजी जारी रहेगी। आपकी वो भविष्यवाणी सत्य साबित होती नजर आई है, अक्सर बाकी भविष्यवाणियों की तरह ही, जैसा आपने पहले इससे सरसों, सोयाबीन, चना और बाकी अन्य जिन्सों पर आपने भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी तरह ग्वार की भी आपकी भविष्यवाणी सत्य साबित होती नजर आई है। और अब फिर से हम देख रहे हैं कि ग्वार में गिरावट से एक तेजी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, अब ग्वार में आगे कैसा माहौल जारी रह सकता है, कैसा रुझान रहेगा? देखिए, ग्वार सीड की जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक धीरे 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 जो ग्वार सीड जो है, अच्छी क्वालिटी का जो ग्वार सीड है वो बाजार में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, और ये काला या जो दागी वाला जो ग्वार है वो बाजार में उपलब्ध है, और एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो एक्सपोर्टर्स के पास जो ऑर्डर है वो प्रचुर मात्रा में है, और जो स्पेकुलेटिव गतिविधियों की वजह से कह लीजिए या किसी और गतिविधियों के से कह लीजिए, उससे भी धीरे धीरे अब कमी आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि आज जो है ग्वार सीड के अंदर, जैसे कल भी हमने कहा था कि ग्वार सीड के अंदर निचले स्तर से रिकवरी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आज रिकवरी का दिन है, आज ग्वार सीड के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है और ग्वार गम में भी तेजी की संभावना बन सकती है। और एक विशेष मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से दर्शकों को या कारोबारियों को, कि कोई भी व्यापार करने से पहले क्षमताओं का विशेष ख्याल रखें। जिनके पास क्षमता 10 टन की है और उन्होंने 100 टन या 200 टन माल ले रखा है या एडवांस में बेच रखा है, ऐसे लोग पहले भी परेशानी में आएंगे और आज भी परेशानी में आएंगे। और जो हाजिर के व्यापारी हैं जिन्होंने फिजिकल स्टॉक्स के ऊपर वो ट्रेड करते हैं, वो पहले भी परेशानी में नहीं थे और आज भी परेशानी में नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा मुनाफा तरकीब से लेते हैं। और जो स्पेकुलेटिव के जरिए लेना चाहते हैं कि 10 लाख दे के और 5 करोड़ का काम करें, तो देखिए ऐसे लोग पहले भी परेशानी में आ सकते थे और आज भी परेशानियों में आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। तो मेरी यही सलाह है कि अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ के चांसेस अलग अवश्य होंगे, और जो स्पेकुलेटिव और जो ओवर ट्रेडिंग या ओवर लिवरेज वाले काम है उनसे आपको बचना चाहिए। जी अखिलेश जी। जी,